तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ भावलपुर के बहुत ही फेमस से एक रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे तंदूरी रेस्टोरेंट भी है, लेकिन इसका व्लॉग मैं अलग से शेयर करूँगी। अभी मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ सियासी ढाबा। ये बेसिकली सियासत के ऊपर सारा जो है उन्होंने थीम रखी है। यहाँ पर आप लोगों को जिंगर बर्गर मिल जाएगा, चिकन कढ़ाई, चिकन चरगा, सूप, फिश और चाय, क्योंकि ढाबा है तो वो तो मिलेगी मिलेगी आपको यहाँ पर। ये सारा इनका किचन था और कैबी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि उसके मीम्स वगैरह बहुत मशहूर हैं। उन्होंने जो है नॉर्मल्स चीज़ लोग बड़ी मुश्किल तरीके से कर रहे होते हैं तो आसान से करके दिखाते हैं और कहते हैं व्हाट अ लेम थिंग दिस इज, तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे उनका पोस्टर वगैरह भी लगाया हुआ है। जो मुझे अच्छी बात बहुत ज़्यादा लगी वो ये थी कि यहाँ पे बहुत अच्छे उन्होंने फ्लावर्स वगैरह से डेकोरेशन की हुई थी और बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। नेचर की डेकोरेशन थी, नीचे इन्होंने जो है वो फुट स्टेप्स का रास्ता भी अच्छा बनाया हुआ था। मरियम नवाज़ और जितने भी सियासतदान हैं उन सब की तस्वीरें प्रमोट की हुई थी यहाँ पर, नवाज शरीफ, जरदारी, एवरी वन, यू नो। तो ये वाली साइड जो है अगर लड़के वगैरह आते हैं उनके लिए, दूसरी तरफ इन्होंने फैमिली के लिए बैठने का सारा सिस्टम बनाया हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। पराठा वगैरह भी यहाँ पे आपको मिलता है, लेकिन इनके ओपनिंग की टाइमिंग जो है वो दोपहर के बाद से है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंतहा हो गई इंतज़ार की, सारे इस तरह के जो हैं वो पोस्टर्स वगैरह लगाए, काफ़ी अट्रैक्टिव पोस्टर्स थे, मुझे अच्छे लग रहे थे। और ये दूसरी तरफ जो है बाहर जाने का रास्ता था। फैमिली रेस्टोरेंट है, उनका फैमिली एरिया है, अगर आप लोग यहाँ से आना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग जो मैं आप लोग को बता दूँ कि काफ़ी रात हो गई थी तो दूसरे रेस्टोरेंट का जो व्लॉग है वो भी मैंने शेयर किया है, वहाँ पर क्या खाया और क्या किया उस सबको आप ज़रूर मेरे चैनल पर देखिएगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।